स्वागत है आप सबका जी गुरु जी में। मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के दिल दिल्ली की, दिल्ली में भी एक स्पेसिफिक एरिया मुखर्जी नगर की। जी हाँ, मुखर्जी नगर, बहुत नाम सुना होगा आपने इस जगह का। इस जगह पर हर साल कई सारे बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। ये जगह बहुत ही ज्यादा फेमस है गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर SSC, यहाँ पर बैंकिंग और यहाँ पर UPSC सिविल सर्विसेज यानी IAS की प्रिपरेशन के लिए हर साल कई सारे बच्चे आते हैं। कई बच्चे यहाँ पर खुद रूम लेकर के यहीं रह करके प्रिपरेशन भी करते हैं। तो उन लोगों के लिए आज हम ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम की। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस लोकेशन पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वैसे तो यहाँ पर काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनमें से कुछ IAS की, कुछ बैंकिंग की, कुछ IIT की, अलग अलग कोचिंग, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स और अलग अलग जॉब एग्जाम्स की। तो UPSC सिविल सर्विसेज के कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर टॉप के हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि आपने भी इस शहर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, और अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पर आकर के प्रिपरेशन स्टार्ट करने की, तो प्लीज इस वीडियो को देखे बिना ना जाएं। बढ़ते हैं अपनी रैंकिंग्स की तरफ। रैंक नंबर 1 पर है दृष्टि अकेडमी। दृष्टि अकेडमी का नाम आपने जरूर सुना होगा। दृष्टि अकेडमी बहुत बहुत ज्यादा फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। हर साल इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स टॉप 100 रैंक्स में जरूर रहते हैं। बाकी बच्चे भी इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लियर करते हैं और बहुत ही अच्छी रैंकिंग से क्लियर करते हैं, लेकिन टॉप 100 रैंकिंग में हमेशा इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे रहेंगे। इवन टॉप 10 रैंकिंग में भी इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे रहेंगे। ये आपको हर मीडियम में पढ़ाते हैं, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए तो ये स्पेशलाइज्ड क्लासेस भी देते हैं। अगर आप और लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पता कर सकते हैं। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोनों ही आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ये अपना यूनिक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस वीडियो में मैं इसके बारे में इन डिटेल आपको नहीं बता सकती, इसके लिए हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर हम इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, वरना पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्हें विजिट कर सकते हैं, और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो है www.gguruji.com, और इस पेज का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बढ़ते हैं आगे रैंक नंबर 2 की तरफ। रैंक नंबर 2 पर है एलीट IAS इंस्टीट्यूट। एलीट IAS इंस्टीट्यूट भी सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है यहाँ पर, जो एक यूनिक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है आपको पढ़ाने के लिए। इनका स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा फेमस है। इनका स्टडी मटेरियल के साथ साथ ये आपको एक्सटर्नल बुक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं अगर आपको चाहिए तो। साथ के साथ ये आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको जो भी हेल्प चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए वो हेल्प आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं। रैंक नंबर 3 पर है ALS IAS इंस्टीट्यूट। ALS IAS इंस्टीट्यूट का नाम आपने मुझसे हर वीडियो में कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ये एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पूरे के पूरे इंडिया में लगभग हर शहर में है। इसकी ब्रांचेस हर शहर में आपको मिल जाएंगी, और ये आपको टॉप क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इनमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, लाइब्रेरी फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी, स्टडी रूम फैसिलिटी, PG फैसिलिटी, सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, और ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं, हमारे पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। रैंक नंबर 4 पर आता है श्रीराम IAS अकेडमी। श्रीराम IAS अकेडमी भी दिल्ली में मुखर्जी नगर में टॉप 4th का सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो बहुत ज्यादा फेमस है अपने स्टडी मटेरियल, अपनी टेस्ट सीरीज और अपनी फैकल्टी की गाइडेंस के लिए। इनकी फैकल्टी बहुत ज्यादा अच्छा गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड करवाती है, टॉप की फैकल्टीज रखते हैं ये, और इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। रैंक नंबर 5 पर है चाणक्य IAS अकेडमी। चाणक्य IAS अकेडमी यू तो बहुत ज्यादा फेमस है मुखर्जी नगर में, इसका बहुत बहुत ज्यादा बोलबाला है।
मेट्रो से जाने के रास्ते में आपको ये दिख जाएगा, बीच रास्ते में ही बहुत बड़ा सा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनका कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ ये आपको अपना यूनिक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और गारंटी देते हैं कि सिर्फ उनका स्टडी मटेरियल अगर आपने इन डिटेल बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दोनों ही आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनके फीस स्ट्रक्चर भी थोड़े के रीजनेबल रहते हैं। और ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। रैंक नंबर 6 पर है डेस्टिनेशन IAS अकेडमी। डेस्टिनेशन IAS अकेडमी भी दिल्ली के टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है। ये अपने स्टडी मटेरियल के लिए जाना जाता है और अपनी फैकल्टी और अपने क्रैश कोर्स के लिए भी जाना जाता है। ये एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर सिलेबस का पूरा रिविजन ये आपको अच्छे से करवा देंगे और इसके साथ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी जो आपको प्रॉपर एग्जाम का, रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस देते हैं। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। रैंक नंबर 7 पर है निर्माण IAS अकेडमी। निर्माण IAS अकेडमी भी सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है। अगर आपको इनके बारे में और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आप रैंक नंबर 8 की तरफ। रैंक नंबर 8 पर है सरस्वती इंस्टीट्यूट, सरस्वती IAS इंस्टीट्यूट। सरस्वती IAS इंस्टीट्यूट भी काफी जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ के जो बच्चे हैं जो यहाँ से एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं वो आपसे आकर के अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, आपको समझाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, टाइम बाउंडेड स्ट्रैटेजीज किस तरीके से उन्होंने फॉलो करी थी। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको टाइम बाउंडेड स्ट्रैटेजीज फॉलो करने पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स कैरी करने हैं, मार्क्स लेकर के आने हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ सपोर्ट करेगा। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को विजिट कर सकते हैं और इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। रैंक 9 पर है पतंजलि इंस्टीट्यूट। पतंजलि भी आज की डेट में काफी जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट है मुखर्जी नगर में। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इनके रिजल्ट हर साल इम्प्रूव होते जा रहे हैं, हर साल हर आने वाले साल में इनके पिछले साल से अच्छे ही रिजल्ट रहे हैं क्योंकि काफी सारे बच्चों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ करके एग्जाम UPSC क्वालिफाई किया है। आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्हें विजिट भी कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। रैंक नंबर 10 पर है सिनर्जी IAS इंस्टीट्यूट। सिनर्जी IAS इंस्टीट्यूट भी काफी ज्यादा जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट बन चुका है मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में इनकी काफी सारी क्लासेस हैं, हर क्लास में इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, क्लासेस होती हैं और साथ में ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लियर करना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि GS की प्रिपरेशन तो बच्चे करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में बच्चे मार्क्स ज्यादा कैरी करते हैं और ये आपके मार्क्स की वेटेज को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसलिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन माना जाता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो अगर आप अच्छे से कर गए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और अगर नहीं कर गए तो आपकी नैया डूबा जाएगा। तो इस सब्जेक्ट को चूज करने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपनी फील्ड के सब्जेक्ट्स नहीं होते ये ज्यादातर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि आपके जो GS के सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं में आपके लगभग सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं और इन सब्जेक्ट को आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन इनका पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी कैपेबिलिटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपको समझते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं। इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। हम लोगों को बहुत खुशी होगी अगर आप हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए ये वीडियोस बनाने के लिए, प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बहुत ज्यादा मेहनत करके हमेशा लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।